नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल एड्यूटॉक इंडिया में। आज हम माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो तप का आचरण करने वाली इस देवी के रूप में दुर्गा माँ के द्वितीय स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है दधाना कर पद्मभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्य नूतमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपी मां दुर्गा मुझ पर कृपा करें। सिर पर मुकुट के अलावा इनका श्रृंगार कमल के फूलों से होता है, हाथों में कंगन, गले का हार, कानों के कुंडल और बाजूबंद सभी कुछ कमल के फूलों के होते हैं। माता किसी वाहन पर सवार नहीं होती, बल्कि वह धरती पर खड़ी रहती है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग काफ़ी पसंद है और इनका प्रिय रंग हरा है। अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के नाम के पीछे छुपी हुई कथा है उसके बारे में। मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। देवर्षि नारद जी के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर की पत्नी बनने के लिए कठोर तपस्या की थी। कितने हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। कुछ वर्षों तक तो उन्होंने फलहार लिया भी, पर कुछ वर्षों तक तो उन्होंने उसे भी त्याग कर दिया। अन्न जल का त्याग कर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान भी दिया और अंत में भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त भी हुए। इसी तपस्या की वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता का यह रूप हमें कठोर परिश्रम की सीख देता है। बिना कठोर परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुछ भी प्राप्त करने के लिए तप करना ही पड़ता है। तो हमें माता के इस रूप से सीख लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी के बारे में जानने के लिए वैसे तो असंख्य चीज़ें हैं, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बताने की कोशिश की है माता के इस रूप के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे माता के तीसरे स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।